हम उसको कवर कर रहे थे, वकीलों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की और हमारा काम हमारे काम करने से रोका है, हमें काम करने के लिए रोका और हमारे जो मेरे पर्सन जो हमें बचाने के लिए आया हमारे असिस्टेंट उनको और ये पिछले चार दिन से लगातार चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। और सर मैं एक्रीडेटेड रिपोर्टर हूँ हाई कोर्ट की और मुझे अभी दिखाई रहा वीडियो के अंदर साफ दिख रहे हैं कौन कौन वकील हैं, वो आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। उन्होंने और इनका प्रधान भी साथ में उस टाइम भी वहाँ पे थे, उनके सामने चीज हुई है, बदतमीजी की है, लेडी रिपोर्टर फ्लैट भी है, अभी प्रेस रूम को मिलकर ताला भी लगा दिया था, ये हमारे साथ नहीं है सर ना, ये सिक्योरिटी अगर हम कवरेज के में हमारे सिक्योरिटी खतरा या अटैक कर सकते हैं, वो भी वेरी होने ये कुछ भी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं, कभी भी काम करने से रोक हमारे हमें अपने काम में आपका नाम आओ बोल रहे आप मना कैसे कर रहे हो भैया के लिए नाम बताओ, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, एक सेकंड नाम बताओ, नहीं नहीं बोलने वाले एक सेकंड नाम बताओ आप, नाम बताओ मैंने अपना बिके हुए मीडिया बिके आया पैसे दिते हैं सानू इन्होंने पैसे दिते हैं सानू एक आदमी बोलिए एक नहीं दो पंद्रह दिन से आप नहीं आए जी भाई, आप बताओ आप लोगों ने वकील ने क्यों बहस करो, आपके साथियों ने मारी, अब आप कह रहे हो कि आप क्यों कर रहे हैं, ये छह दिन से मैं घूम रहा हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने जा रहे हैं, ये कुत्ता नहीं छोड़ दिया वकीलों का, ये तो हमें कोई इतराज नहीं है, वकील हटा के जो मरते जाए, लेकिन गेट से कितनी देर बाद आपका लगाए नहीं हुए, हमें जाने में देर में नहीं, आपको अंदर जाने नहीं दे रहे, रोज आते हैं आप यहाँ पे, इन पर्सन मैं फाइल करना चाहता हूँ, मैं इन पर्सन फाइल करना चाहता हूँ, आपकी केस की डेट कितनी है, आपको मर्जी दीजिए, लेकिन सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन वकीलों को गेट से हटाओ, आदमी को जो परेशान लगे अंदर जाने दीजिए, ठीक है मैं
सर ये हो गया ना भाई इसकी यार लास्ट फोर कपल ऑफ डेज प्लीज दिस मैन प्लीज मैं तो इनसे बात करने आया मैंने इनको कॉल किया सर 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 नहीं नहीं सर मैं रोज हो रहा है रंधावा जी कहते मैं माफी मांगता हूँ अनुपम गुप्ता जी मैं कहते माफी मांगता हूँ हमारे भी वो है ना और एक चीज आपके 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 एड्रेस आउट ऑफ कंट्रोल है आप मानो बात नहीं बोला रोज हो रहा है एक हफ्ते से हो रहा है एक हफ्ते से हो रहा है मैडम सर अतुल जी लाजन लाजन एक सेकंड सर एक हफ्ते से निकलो हाँ ये क्या मुझे निकालने का और एक एडवोकेट आप कहाँ कर देता कहाँ जा रहा थी सर 17 ईयर जल्दी से मगर एक आके तू दो साल की प्रैक्टिस करके चलो कोई इशू नहीं छोड़ दिया गैरी जी छोड़ दिया अवॉइड किया एक हफ्ते से कंटिन्यू सर बुलाया एक हफ्ते से सर और आके वहाँ कहता है बिकाऊ मीडिया आके वहाँ कह रहे हैं क्यों खड़े बिकाऊ मीडिया सर प्रेस रूम पे ताला लगा दो सर हमारे जो साथ में हमको उनके आप बाजू देख लीजिए बिल्कुल आपको बता दें कि हम मीडिया से हैं पत्रकार हैं लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लगातार 14 दिन से जो हैं वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनका धरना भी कवर कर रहे हैं और लोगों की दिक्कत भी कवर कर रहे हैं लेकिन वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि लिटिगेंट्स को कवर ना करें एक तो वकीलों के पास कोई परमिशन नहीं होती है कि वो लोगों को लिटिगेंट्स को रोकें और उनको अंदर ना जाने दें इन पर्सन पेश ना होने दें जब एक महिला ने 10 बजे के करीब गेट नंबर 1 पर सुसाइड करने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं कह रही थी कि मेरी बेटी को खतरा है मुझे रजिस्ट्रार से मिलने दीजिए मुझे तारीख जो है जल्दी लेनी है लेकिन उसको जो है ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे थे जब ये तस्वीरें हम अपने कैमरा में कैद करने लगे मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही थी इन्होंने वकीलों ने हमारे साथ मिसबिहेव किया इन लोगों ने हमें धक्के मार के बाहर निकाला इसके साथ ही अगर बात करें मेरे कैमरा मैन का कैमरा तोड़ दिया हमें जो पायलट बचाने के लिए आया जो हमारा ही साथी था उसको इन्होंने मारा जिसकी वजह से उनको भी खरोचे आई हैं तो कहीं ना कहीं वकील ज़रूर अपनी मांगों पर भले ही हुए हैं लेकिन पत्रकार का फर्ज होता है कि वो दोनों वर्जन दिखाएं ये हमें फोर्स नहीं कर सकते मजबूर नहीं कर सकते हैं कि हम सिर्फ वकीलों का धरना दिखाएं लेकिन आम लोगों की समस्या जो है वो ना उठाएं जी क्या पुलिस इस पे क्या उनका क्या कदम है इस पे हमने अपनी जो शिकायत है वो पुलिस में दे दी है अभी देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है क्योंकि हमारे पास सारी वीडियोज हैं उनकी धक्का मुक्की की और साथ ही जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव किया है उसकी भी सारी वीडियोज हमारे पास है मुझे पता था कि यहाँ हाईकोर्ट में स्थायी है तो आज मैं इसलिए कि शायद मैं सुबह में घुस जाऊंगा अंदर और मैं अपना केस रिप्रेजेंट कर पाऊंगा तो मैंने ये 8 बजे ही मैं पास काउंटर पर आ गया था मैंने 8:18 पर ये पास बनवा लिया पास बनवाने के बाद में जब मैं अंदर आया तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया और जब मैंने बोला कि आप मुझे मार करके बाहर निकालो क्योंकि मेरा तो बड़ा अर्जेंट इशू है तो फिर काफ़ी धक्का मुक्की हुई जब मीडिया कवर करने लगा तो मीडिया के साथ भी धक्का मुक्की की